काफी समय से जनता की शिकायतें मिल रही थी कि ऑटो चालक द्वारा यात्रियों से अभद्र व्यवहार के साथ ही मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इसको लेकर आरटीओ के परिवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने स्वयं रेलवे स्टेशन से आई एसवीटी तक ऑटो में बैठकर यात्री के रूप में सफर किया, जिस पर ऑटो चालक ने उनसे 150 रुपये किराया मांगा, जो लगभग 60 रुपये ज़्यादा था। इसको लेकर अधिकारी द्वारा अलग अलग स्थानों से यात्रा की गई, जिसमें ज़्यादातर ऑटो चालकों द्वारा मनमाने पैसे वसूलने की बात सामने आई। इसको लेकर परिवर्तन अधिकारी द्वारा ऑटो चालक का चालान किया गया और दिशा निर्देश दिए गए कि आप सभी ऑटो चालक किराया सूची चस्पा करें। देहरादून से रिपोर्टर अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसी को देखने के लिए मैं स्वयं गया, कल तीन चार रूटों पे मैं गया और वहाँ मैंने ऑटो बुक करवाया सिंपल यात्री के रूप में। और सबसे पहले तो मैं यहाँ रेलवे स्टेशन गया था, रेलवे स्टेशन से एसबीटी के लिए मैंने गाड़ी बुक करवाई ऑटो, उसमें उसने मुझे 150 रुपये मांगे, जो निर्धारित किराया से काफ़ी ज़्यादा है। उसका चालान किया, हमने सारे कागज़ उसके इम्पाउंड कर लिए हैं, उसके परमिट के खिलाफ़ भी हम कार्रवाई कर